ही देश महंगाई की मार से जूझ रहा है, लेकिन देश में एक राज्य है जो इन दिनों महंगाई को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, राज्य है छत्तीसगढ़। दरअसल ये हम नहीं कह रहे हैं, राज्य सरकार के आंकड़े बयां कर रहे हैं कि जिस दौर में देश का औद्योगिक क्षेत्र लड़खड़ा गया है, दूसरे राज्यों की कृषि व्यवस्था चरमरा गई है, रोजगार का गहरा संकट आ खड़ा हुआ है। ठीक इसी बीच छत्तीसगढ़ में हालात इससे जुदा है। भले ही देश इस वक्त मंदी की मार से जूझ रहा हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में जमीनों की बिक्री में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। 25 जुलाई से सितंबर तक की अवधि में ही राज्य में 27,393 रजिस्ट्री हुई है। इसके एवज में राज्य सरकार को 152 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई है, जबकि इसी अवधि में पिछले साल 17,852 रजिस्ट्री हुई थी और सरकार को महज 90 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था। आंकड़ों की माने तो करीब 69% अतिरिक्त राजस्व सरकार को मिला है। आंकड़ों में यह बढ़ोतरी भूपेश सरकार के उस फैसले के बाद हुई जिसमें सरकारी जमीन की कीमत यानी कलेक्टर गाइडलाइन में 30% की कमी की गई थी। रियल एस्टेट के जानकारों ने सरकार के इस फैसले को वाजिब बताते हुए कहा था कि मंदी के दौर में भी रियल एस्टेट के कारोबार को यह सहारा देने वाला फैसला है। छत्तीसगढ़ गठन के बाद यह पहली बार हुआ था कि सरकार ने जमीन की गाइडलाइन दर घटाई थी। छोटे भूखंडों की बिक्री में इससे काफी तेजी आई। 1 जनवरी से लेकर अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो करीब 76,000 छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री हुई है। भूपेश बघेल कहते हैं कि यह हमारे काम, नीति, निर्णय, फैसले का असर है। छत्तीसगढ़ में जो काम हम लोगों ने किया उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। पहले दिन ही हमने ऋण माफी किया, 2500 रुपये कुंतल में धान खरीदी किया, 4000 प्रति माना बोरो दर से तेंदू पत्ता खरीदा, 400 किलोमीटर की बिजली बिल आधा किया, सिंचाई कर माफ किया, ये सारे 35 किलो चावल जो दे रहे हैं, तो उससे हुआ ये है कि छोटे प्लाट की रजिस्ट्री का फैसला किया, 30% कलेक्टर गाइडलाइन से कम किए, ये सब जो सुधारात्मक काम किए और साथ ही जो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने का काम किया, उसके कारण से जहाँ पूरे देश भर में मंदी है, छत्तीसगढ़ में मंदी का प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा। राज्य के उद्योगपति भी मानते हैं देश में मंदी की जो हालत है उससे तुलनात्मक तौर पर छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर है। ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या फिर मोबाइल, ऐसे हर जगहों पर राज्य में ग्रोथ बेहतर है। इसकी वजह सरकार की नीतियाँ रही है। औद्योगिक बिरादरी की मांगों पर सरकार की गंभीरता दिखती है। छत्तीसगढ़ में जब से ये मतलब नई सरकार आई है और जो किसानों को जो पैसा पंपिंग हुआ किसानों को इलेक्शन के बाद, लगभग 12-15 हजार करोड़ रुपए है, उससे जो बाजार में पैसा आया है, तो हिंदुस्तान में जो एक मंदी चल रही है उसके कंपेरेटिव में छत्तीसगढ़ जैसे हमारा ऑटोमोबाइल स्टेट है वो लगभग 17-18% के ग्रोथ में है। पैन इंडिया से कंपेयर करेंगे तो छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छी स्थिति में है हम लोग यहाँ पे। बहरहाल देश मंदी के भंवर में फंसता चला जा रहा है। ऐसे में हर किसी की टकटकी नजरें छत्तीसगढ़ के उस फॉर्मूले को देख और समझ रही है जिनके बूते राज्य ने अपने आप को मंदी की जद से बाहर रखा हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में